बात करें मऊ की तो मऊ में कासिमपुर गांव से पंकज पांडे जीते हैं। अब बात कर लेते हैं औरैया की। औरैया से अपडेट आ रहे हैं, कोठीपुर से अमरेश कुमार पांडे जीते हैं। सीतापुर में कौन जीता ये भी आपको बताने जा रहे हैं। औरैया के बाद बारी है सीतापुर के नतीजों की। सीतापुर जानकारी सामने आ रही है, बंदीपुर से अनिल शुक्ला जीते हैं। चंदौली में कौन जीता ये भी जान लीजिए, इसुल से ओम प्रकाश जीते हैं। तो लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जैसे जैसे विजेता उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हमारी टीम मौजूद है, जो पल पल की अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। लखनऊ की बात करें तो पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है। लखनऊ के 8 ब्लॉक पर काउंटिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन क्यों नहीं हो रहा है, सवाल जिसका तस बरकरार। काउंटिंग सेंटर पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। खबर जानने के बाद अब आपको हम तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे यहां पर क्या स्थिति है। एक तरफ लखनऊ के 8 ब्लॉक्स में काउंटिंग जारी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या यहां स्थिति है, आप भी एक बार को टेंशन में आ जाएंगे जब इन तस्वीरों को देखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही। पुलिस बल यहां पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी देखी जा सकती है, उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर पालन होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इसके ठीक उलट भारी भीड़ यहां पर मौजूद है। और अब बात करते हैं हाथरस की। हाथरस के एमजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जारी मतगणना के बीच तमाम दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है। मतगणना केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते एजेंट और प्रत्याशियों की भीड़ जुट गई। कोरोना नियमों का पालन न होता देख पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। मतगणना केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो पा रहा है, जिम्मेदारी किसकी, जवाबदेही किसकी और किससे हुई चूक, क्योंकि सुबह से ही ये तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही हैं। कहीं पर एजेंट के कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है, कहीं पर भारी भीड़ जमा हो गई। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए जुड़ गए हैं, मथुरा में मौजूद हैं कन्हैया लाल शर्मा, तो वहीं फिरोजाबाद में मौजूद हैं परमेंद्र कुमार। सबसे पहले रुख करते हैं मथुरा का, कन्हैया से बात करते हैं। कन्हैया, सुबह से लेकर अब तक काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि काउंटिंग से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह से धज्जियां उड़ा जा रही है, ये चर्चा ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से काउंटिंग को लेकर शुरू से कयास लगाए जा रहे थे कि जो लोग यहां पर आएंगे उनका कोविड टेस्ट होगा, उसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाएगा, लेकिन जो स्थितियां, जो आदेश थे वो सिर्फ कागजी ही साबित हो रहे हैं। अगर मेरे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे तो किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ पर किसी भी कोविड गाइडलाइन का पालन होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में अगर हम लोग सोशल